हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम रोहन है और आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप कैसे गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में सेटअप कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करने से पहले आपको जानना होगा कि गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग होता क्या है और उसे हम लोग क्यों सेटअप करते हैं अपने वर्डप्रेस या किसी भी वेबसाइट में। तो अगर आपको पता है कि गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग होता क्या है तो आप इसको अभी फॉरवर्ड करके कैसे सेटअप करना है देख सकते हैं। अगर आप गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या है मालूम नहीं आपको तो इसको स्किप बिल्कुल ही मत कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग का। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग बेसिकली एक कोड होता है जिसको हम अपने वेबसाइट में पुट करते हैं और उस कोड को पुट करने के बाद हम हमारे वेबसाइट में जो भी इवेंट्स या एक्टिविटीज हो रहे हैं उसको हम ट्रैक कर पा रहे हैं। सो गाइज, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल। सो लेट सपोज हमारा गूगल सर्च एड्स अभी रन कर रहा है, तो जो हमारा गूगल सर्च पे हमारा एड दिखा रहा है तो उसके ऊपर अगर कोई क्लिक करता है तो वहां पे तीन केसेस हो सकते हैं। तो पहला केस ये हो सकता है कि कोई भी अगर हमारे एड पे क्लिक कर रहा है तो हमारा लैंडिंग पेज को व्यू कर रहा है, यानी कि उसको हम पेज व्यू बोलते हैं। और दूसरा केस ये हो सकता है कि कोई भी अगर आपके एड पे क्लिक करता है और आपका जो लैंडिंग पेज दिया गया है उसके ऑप्ट इन फॉर्म या ईमेल फॉर्म को फिल करता है, तो वो सेकेंड केस हो गया। और थर्ड केस ये हो सकता है कि कोई भी अगर आपका लैंडिंग पेज पे विजिट किया और ईमेल फॉर्म भरा और आपके वेबसाइट से परचेस किया, तो वो थर्ड केस हो सकता है। तो गाइज, यहाँ पे अगर कोई हमारे वेबसाइट पे आके परचेस करता है तो वेल एंड गुड, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा वेबसाइट में आके ईमेल आईडी भी देता है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई हमारे वेबसाइट पे आता है और ईमेल आईडी भी नहीं देता और परचेस भी नहीं करता तो हमारे लिए वो एक लॉस है, क्योंकि देखिए हम हमारे एड पे जो भी क्लिक करता है उसके लिए हम कुछ भी अमाउंट पे करते हैं। लेट्स से हमारे एक क्लिक के लिए 50 रुपीज 60 रुपीज पे करते हैं, तो 80% ऑफ द पर्सन हु क्लिक्स ऑन योर एड, मतलब वो लोग कन्वर्ट नहीं होंगे और ईमेल आईडी भी नहीं देंगे, तो हमारा एक्चुअली ये लॉस माना जाता है। इसलिए हम लोग कन्वर्जन ट्रैकिंग यूज करते हैं ताकि हम लोग उन लोगों को बाद में रिटारगेट कर पाए और उनको सेल कर पाए, तो वहां पे हमारा कुछ लॉस कंपेंसेट हो सकता है। सो गाइस, इसलिए जो भी आर्ट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक, बिंग, जो भी आर्ट प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो वो अलग अलग बकेट्स करके रखते हैं। जो बकेट हम पानी रखते हैं तो उसको एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो तीनों स्टेप्स बताया जैसे कि पेज व्यू, ईमेल ऑप्ट इन और परचेज, सो लेट्स से तीनों स्टेप्स के लिए थ्री बकेट्स है। तो जो पर्सन पेज व्यू किया उसको हम पेज व्यू बकेट में रख लेंगे और जो पर्सन ईमेल आईडी दिया उसको हम ईमेल ऑप्ट इन बकेट में रख लेंगे और जो पर्सन परचेज किया उसको हम परचेज बकेट में रख लेंगे। तो बाद में हम जब कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि हाँ इतना परचेजेस हुआ है, इतना ईमेल ऑप्ट इन हुआ है और जो रेस्ट 80-90% पेज विजिटर्स आए थे लेकिन ईमेल ऑप्ट इन नहीं हुआ और परचेजेस भी नहीं हुआ, तो हम उस टाइम पे गूगल को या फेसबुक को या बिंग को बता सकते हैं कि जो रेस्ट 80-90% पेज व्यूअर्स थे उनको हमें रिटारगेट करना है, यानी कि हमें अपना एड फिर से दिखाना है। तो उसी केस में हम लोग उनको फिर से एड दिखा सकते हैं और वहां पे हमारा कॉस्ट बहुत भी कम रहेगा, क्योंकि पहले से ही वो लोग हमारे प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड है और वहां पे कन्वर्ट होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि एक बार या दो बार में कन्वर्ट होना बहुत ही मुश्किल होता है, बार बार एड दिखाना पड़ता है, उसके बाद ही सेल को कन्वर्ट कर पाते हैं हम लोग। तो चलिए अभी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि आप कन्वर्जन ट्रैकिंग गूगल का कैसे सेटअप कर सकते हैं। सो गाइज, मैं अभी आ चुका हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, तो चलिए अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि आप कैसे गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपने गूगल एड्स अकाउंट में पहले लॉग इन कर लेता हूँ। तो आप जब गूगल एड्स ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाएगा टॉप में ही, टूल्स एंड सेटिंग्स, तो आप पहले आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो वहाँ पे आपको एक मेजरमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके नीचे कन्वर्जेंस होगा, तो कन्वर्जेंस के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जब आप कन्वर्जेंस पे क्लिक करेंगे आपको ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना होगा और जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे आपको ये चारों ऑप्शन मिल जाएंगे, वेबसाइट, ऐप, फोन कॉल्स एंड इम्पोर्ट। तो वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट कन्वर्जेंस को ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है, अगर आपको मोबाइल ऐप के यूजर्स को ट्रैक करना है तो मोबाइल ऐप का ये ऑप्शन प्रेस कर सकते हैं, और नहीं तो आपको फ़ोन कॉल्स को ट्रैक करना है तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो मुझे फ़िलहाल के लिए वेबसाइट को ट्रैक करना है तो यहाँ पर मैं वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ।
और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे बहुत ही सारे, परचेज, लीड, पेज व्यू, साइन अप एंड अदर्स। यानी कि आप यहाँ पे परचेजेस को ट्रैक कर सकते हैं, लीड फॉर्म को, पेज व्यू को, साइन अप को, और आप मैनुअली भी अदर्स में कुछ बना के ट्रैक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे पेज व्यू को ट्रैक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पेज व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद आपको नीचे आना है, कन्वर्जन नेम एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट रख ले रहा हूँ। आप अपने जो यहाँ पे जो सिलेक्ट कर रहे हैं, पेज व्यू या लीड या परचेज, जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हो। मैं यहाँ पे पेज व्यू टेस्ट रख दे रहा हूँ। सो गाइज, यहाँ पे कन्वर्जन नेम फिल करने के बाद आपको नीचे आना है और वैल्यू का ऑप्शन एक आपको शो करेगा यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे परचेज कन्वर्जन को ट्रैक करना चाहते हैं तो इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट है और उसका प्राइस सेम है और उसको आप ट्रैक करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू एंटर कर सकते हैं। तो लेट सपोज आपका जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसका प्राइस 2000 रुपीज़ पर पीस है, तो आप यहाँ पे 2000 रुपीज़ एंटर कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपका प्रोडक्ट्स का डिफरेंट वेराइटी है और प्रोडक्ट्स का प्राइस भी अलग है तो यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यू रख सकते हैं। तो ये गूगल क्यों पूछ रहा है कि अगर आपका जो कन्वर्जन वैल्यू आपके गूगल आर्ट्स मैनेजर में शो करेगा तो आप कंबाइन करके एक ही टैब में शो कर देगा कि आपका जो कन्वर्जन इतना हुआ है और कन्वर्जन का वैल्यू इतना हुआ है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन पूछ रहा है। तो इस वीडियो के लिए मैं पेज व्यू को ट्रैक करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे डोंट यूज ए वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे काउंट पे आपको 1 पे क्लिक करना है। तो अगर आप परचेज कन्वर्जन ट्रैक कर रहे हैं तो आपको एवरी पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप 1 पे क्लिक कर देंगे तो एक विजिटर से एक ही कन्वर्जन ये गूगल कन्वर्जन ट्रैक करेगा। अगर कोई विजिटर 2 या 3 परचेज भी करता है तो यहाँ पर अगर आप 1 सिलेक्ट किए हैं तो आपका वहाँ पे 1 कन्वर्जन ही दिखाएगा, और नहीं तो अगर आप एवरी सिलेक्ट करते हैं तो एक विजिटर 3 भी प्रोडक्ट्स परचेज करता है तो वहाँ पे आपको 3 कन्वर्जन दिखाएंगे, क्योंकि डिफरेंट कन्वर्जन हुआ है। तो अगर आपका कन्वर्जन एक्शन लीड या पेज व्यू या साइन अप कुछ भी है तो आप यहाँ पे 1 पे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपका कन्वर्जन परचेज के लिए है तो आप एवरी पे सिलेक्ट कीजिए। और तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको नीचे आना है और कन्वर्जन विंडो पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको 30 डेज रहने देना है, और उसके बाद आपको नीचे आना है, और उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे टैग सेटअप के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद आपको ये वाला स्निपेट को डाउनलोड करना है। ये आपको 2 टैग्स दिखाएगा, ग्लोबल साइट टैग और इवेंट स्निपेट। ये वाला ग्लोबल साइट टैग आपको अपने वेबसाइट के हर पेज के हेडर में रहना होगा, तभी गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग काम करेगा। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको ओपन कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको अपने वेबसाइट में जाना होगा और वहाँ से आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। अगर आप एक HTML अच्छे से जानते हैं तो आप अपने यहाँ पे थीम एडिटर में जाके हेडर टैग में डाल सकते हैं। अगर आप HTML जानते नहीं तो आपको प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ भी गलती हो गया तो आपका वेबसाइट क्रैश हो सकता है। तो यहाँ पे आपको प्लगइन में आना होगा और वहाँ पे आपको सर्च करना होगा हेडर फुटर। तो आपको उस प्लगइन के अंदर आपको ये वाला कोड इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे मैं ये वाला प्लगइन देख पा रहे होंगे, हेडर फुटर कोड मैनेजर, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ और उसके बाद आपको एक्टिवेट कर देना है। तो यह एक्टिवेट होने के बाद आपको इस साइट के ऑप्शन में एक HFCM का ऑप्शन दिखाएगा, उसके ऊपर आप जब कर्सर लेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है गूगल ग्लोबल टैग, और यहाँ पे साइट वाइड रखना है, क्योंकि इस टैग को अपने वेबसाइट के हर पेजेस के हेडर में होना चाहिए, तो इसलिए साइट वाइड रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे लोकेशन हेडर ही रहने देना है, और यहाँ पे आपको नीचे आना है और इस ब्लैंक स्पेस में उसको पेस्ट करना है और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये अभी सेव हो चुका है, और उसके बाद आपको फिर से गूगल टैब में आना होगा, वहाँ पे आपको एक इवेंट स्निपेट दिखाएगा। तो गाइज ये पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए है। तो आपको मैंने बताया था कि जैसे कि 3 इवेंट्स है, पेज व्यू, लीड फॉर्म साइन अप एंड परचेज।
कोई भी इवेंट आपके वेबसाइट पे हैपन होता है तो गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड किसी भी एक इवेंट को ट्रिगर करेगा। सो लेट सपोज वहाँ पे पेज व्यू हो रहा है तो गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग पेज व्यू इवेंट को ट्रिगर करेगा। सो गाइस ये वाला आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसको कॉपी कर लेना है और फिर से आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में जाना है। तो यहाँ पे आपको और एक बार ऐड न्यू स्निपेट पे क्लिक करना होगा। तो उसके बाद आपको स्निपेट नेम रखना होगा, तो ये गूगल इवेंट टैग है तो इसको भी चाहे तो आप साइट वाइड दे सकते हैं, नहीं तो अगर किसी पर्टिकुलर पेजेस में आपने लैंडिंग पेज बनाया है तो पर्टिकुलर पेजेस में यहाँ पे आप पेजेस को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपका ऑप्शन दिखा देगा तो उस पर्टिकुलर पेजेस में आप ये इवेंट टैग ऐड कर सकते हैं। तो मैं साइट वाइड रहने दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा वेबसाइट को ट्रैक करें। तो उसके बाद आपको ये हेडर ही रहने देना है और फिर से यहाँ पे आपके पेस्ट कर देना है और उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। सो गाइज हमने अभी टैग तो इंस्टॉल कर लिया लेकिन ये जो गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग इन सभी इवेंट्स को ट्रैक करेगा इसको रखने के लिए एक स्पेस चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, फिर से इस गूगल आर्ट्स टैब में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और डन पे क्लिक करना है। तो ये हमारा हो चुका है टैब। तो उसके बाद आपको यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग्स पे फिर से जाना है और ऑडियंस मैनेजर में जाना है। तो यहाँ पे आपको ऑडियंस मैनेजर में यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे वेबसाइट विजिटर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका ऑडियंस नेम देना है। तो यहाँ पे मैंने पेज व्यू के लिए बनाया है तो पेज व्यू दे दे रहा हूँ। तो आप जो भी इवेंट के लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग बना रहे हैं उसका नेम दे सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे विजिटर्स ऑफ ए पेज लिखा है तो इसको यही रहने देना है और यहाँ पे आपका वेबसाइट यूआरएल को कॉपी करना है। तो मेरा वेबसाइट यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ तो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लिया। सो गाइस यहाँ पे आपको कंटेंट ही रखना है तो आपको इक्वल स्टार्ट स्विथ एंड स्विथ नहीं रखना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप अपने वेबसाइट का सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है HTTPS, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि HTTPS के बिना भी आपका वेबसाइट ओपन हो जाता है यानी कि HTTP में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी www. आपका वेबसाइट का नाम डाल के ओपन करता है। तो गाइस उसी से क्या होगा कि आप अगर कंटेंट्स ऑप्शन रखते हैं तो आपको वेबसाइट से पहले जो भी www या HTTPS या जो भी डाल के टाइप करें तो वो वाला ट्रैक हो जाएगा। तो इसलिए आपको कंटेंट से रखना है ताकि आपका हर कन्वर्जन ट्रैक हो पाए। और उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करना है। तो ये हमारा ऑडियंस अभी देखिए यहाँ पे पेज व्यू टेस्ट क्रिएट हो चुका है। तो हमने अभी ट्रैकिंग सेट कर लिया और ऑडियंस को क्रिएट कर लिया यानी कि जो भी पेज व्यू आपका ऑडियंस होगा तो इसके अंदर आपका सेव होगा। और यहाँ पे पॉपुलेटिंग दिखा रहा है तो सर्च में कितना हुआ है, यूट्यूब में कितना हुआ है, डिस्प्ले में कितना हुआ है आपको यहाँ पे शो कर लेगा। तो आप जब रिटारगेटिंग करेंगे तो यहाँ से आप रिटारगेटिंग कर सकते हैं। तो हमने अभी टैग तो इंस्टॉल कर लिया लेकिन चेक कर लेते हैं कि हमारा टैग इंस्टॉल हुआ है नहीं। तो इसलिए मैं मेरा ओपन कर लेता हूँ वर्डप्रेस का वेबसाइट। तो ओपन करने के बाद आपको एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्रोम एक्सटेंशन सर्च करता हूँ। सो गाइस आपको क्रोम वेब स्टोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है टैग असिस्टेंट और उसको सर्च करना है। तो आपको यहाँ पे पहले में ही एक टैग असिस्टेंट का क्रोम एक्सटेंशन दिखाएगा तो आपको इसको ऐड कर लेना है। तो इसको मैं पहले से ऐड कर चुका हूँ। तो ऐड करने के बाद आपको अपने वेबसाइट में जाना है और यहाँ पे एक ब्लू कलर का ऑप्शन दिखा रहा होगा जो कि आपके जो क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल किए होंगे टैग असिस्टेंट, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो उसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो टैग इंस्टॉल हुआ है वो सब आपका दिखा देगा। तो यहाँ पे हमने पहले ग्लोबल साइट टैग इंस्टॉल किया, उसके बाद कन्वर्जन ट्रैकिंग इंस्टॉल किया और ऑडियंस को सिलेक्ट किया। तो इसलिए यहाँ पे तीनों टैग्स दिखा रहा है। तो अगर आपका टैग यहाँ पे तीनों दिखा रहा है तो आपने सही तरीके से गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड को इंस्टॉल किया है। सो गाइस ये था कि आप कैसे गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं आपके वेबसाइट में ताकि आप बाद में उसी ऑडियंस को यूज़ करके रिटारगेटिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सारे यूजफुल और प्रूवन टिप्स एंड टेक्निक्स बताता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। तो चलिए गाइस आज के लिए बस उतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।